नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संतान की शादी में किसी प्रकार की बाधा आ जाती है तब उसके माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं, वो संतान भी बड़ा चिंतित रहते हैं, उसके भाई बहन बड़े चिंतित रहते हैं कि हमारे भाई में किसी प्रकार की कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा विद्याभ्यास है, सुंदर है, अच्छी नौकरी है, फिर भी अच्छी पत्नी नहीं मिल रही है। या कोई लड़की हो, सुंदर हो, अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा परिवार हो, फिर भी जो अपनी मनोकामना के अनुसार अच्छा पति चाहते हैं वो नहीं मिलते, बड़े चिंतित रहते हैं। शादी नहीं होने के कारण क्या है वो भी आज कहूंगा, और शादी में जो समस्या बाधा आ रही है उसके समाधान का उपाय भी दिखाऊंगा। आज मैं जो बातें करने वाला हूं वो मेष लग्न की बात करने वाला हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में एक नंबर लिखा है और आपकी शादी में दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसके कारण क्या रह सकते हैं। जन्म कुंडली में प्रथम भाव और सप्तम भाव चार केंद्र के भाव कहे गए हैं, प्रथम भाव है, चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव है और दशम भाव है। लेकिन उनमें से जो शादी का देखा जाता है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। किसकी शादी होगी तो किस दिशा में होगी, किस किलोमीटर में इसकी शादी हो सकती है, या जीवन साथी कैसा मिल सकता है, ये सारे उत्तर है वो सप्तम भाव से जाने जाते हैं। सप्तम भाव का स्वामी है उसको देखा जाता है, किस ग्रह के साथ विराजित है या किस ग्रह की दृष्टि वहां हो रही है, वो सप्तम भाव पे देखा जाता है। आज मैं ऐसे दो भाव की चर्चा करने वाला हूं। अगर आपका सप्तम भाव का मालिक अगर ये दो भाव में है तो बड़ी शादी में दिक्कतें परेशानी आ सकती है। आपका मेष लग्न है तो सप्तम भाव का जो स्वामी रहेंगे वो शुक्र महाराज रहेंगे। शुक्र महाराज दो स्थान के मालिक रहेंगे, द्वितीय भाव के वृषभ राशि के स्वामी कहे गए हैं और तुला राशि के भी स्वामी कहे गए हैं। आपका मेष लग्न है तो सप्तम भाव में तुला राशि आएगी और उसके स्वामी है शुक्रदेव। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अगर द्वादश भाव में है वहां कौन सी राशि आएगी, मीन राशि, तो शादी में परेशानी आ सकती है, दिक्कतें आ सकती है। यहां ऐसा नहीं है, शुक्र अपनी राशि में उच्च राशि हो रही है द्वादश भाव में, लेकिन सब कुछ मिलेगा, ऐसे जातक को सब कुछ मिलता है, लग्जरी लाइफ जीने का यहां योग निर्माण रहता है, अपने जीवन में भौतिक संपत्ति बहुत अच्छी रहती है, ऐश्वर्य बहुत अच्छा रहता है, अपने जीवन में जो अपने मेहनत से कमाते हैं ये अपने भाग्य से कमाते हैं, जो भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करते रहते हैं, अपने समाज में मान सम्मान ज्यादातर देखा गया है, ऐश्वर्य अच्छा मिलता है। जो द्वादश भाव में शुक्र विराजित है, उच्च राशि के शुक्र यहां देखा गया है, इसीलिए ये जातक अपने जीवन में हर भौतिक सुख प्राप्त करता रहता है, लेकिन परेशानी आती है यहां शादी में, पैसा बहुत रहता है, ऐसा भी देखा गया है कि राजकीय क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ते रहते हैं, लोकप्रियता बहुत अच्छी रहती है, ऐसा भी देखा गया है, एजुकेशन भी अच्छा रहता है, आध्यात्मिक तौर से अच्छे रहते हैं, दयावान रहते हैं, अपने जीवन में जो कार्य दूसरे नहीं कर पाते ये जातक अपने जीवन में कार्य सफल कर पाते हैं। लेकिन यहां ऐसा भी देखा गया है कि वो शादी से परेशान रहते हैं, शादी भी कभी कभी देखा गया कि शादी भी हो जाती है लेकिन ज्यादा यहां टिकती नहीं है,
जब भी शादी करें तब भी जन्म कुंडली मिलान अवश्य करें। ऐसे जातकों को अपनी जन्म कुंडली मिलान करके शादी करनी चाहिए। लास्ट में उपाय भी दूंगा, अगर आपके द्वादश भाव में शुक्र विराजित है, शादी में दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मैं आपके सामने उपाय भी रखूंगा। हमारे शास्त्र में जहां समस्या है उसका समाधान लिखा गया है। और दूसरा भाव है आपका सप्तम भाव, मेष लग्न है सप्तम भाव, अगर सप्तम भाव में है तो ऐसे जातक को देखा गया है कि शादी में बड़ी परेशानी रहती है। ऐसे लोग को पैसे की भी कमी रहती है, ऐसे लोग दयावान बहुत रहते हैं, समाज सेवा में जुड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया अगर शुक्र के साथ राहु विराजित है तो कभी कभी यहां बदनामी भी रहती है, अच्छे रिश्ते नहीं रहते। साथ ही वो एक बात से ज्यादा परेशान रहते हैं कि जिसके साथ वो रिश्ते मिलाते हैं वो रिश्ता टिकता नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, जो गलत काम करे ऐसे लोगों से वो दूर रहना चाहिए। जिसके सप्तम भाव में शुक्र विराजित है, राहु है, मेष लग्न है, ऐसे जातक को जो समाज से अलग है, समाज का अच्छा कार्य नहीं करते, ऐसे लोगों को कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी अगर विद्याभ्यास कर रहे विद्यार्थी बंधु है आप, तो ऐसे लोगों को से भी दूर रहना चाहिए जो आपके विद्याभ्यास में परेशानी बढ़ाए, आपकी शादी में परेशानी बढ़ाए, अपने परिवार में परेशानी बढ़ाए। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। शादी में तो दिक्कतें आती है। अब मैं आपके सामने उपाय रखने वाला हूं कि अगर आपके जन्म कुंडली में मेष लगना है, शुक्र द्वादश भाव में है या सप्तम भाव में है, अकेले है या राहु के साथ है या केतु के साथ है, और शादी में दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों ये उपाय आपके सामने रखो, उनसे पूर्व मेरी छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद है तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी ये वीडियो के माध्यम से उपाय कर सके और अपने शादी में जो भी दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, दूर कर सके। साथ ही दोस्तों बहुत से वीडियो में मैं कह चुका हूं, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, मुलाकात का समय चाहिए, तो आप सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ही कॉल कीजिए और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक आप कॉल करेंगे, आपका कॉल भी लगेगा, आपकी बात भी होगी, आपको समय भी दिया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जन्म कुंडली का आपको विश्लेषण यहां कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो उसकी सुनिश्चित दक्षिणा है, आप भेज देंगे, फिर आपकी कुंडली भेजी जाएगी और आपके साथ शास्त्रोक्त उपाय के साथ आपके साथ जन्म कुंडली का विश्लेषण कर दिया जाएगा। दोस्तों उपाय यह है, आपकी कुंडली में अगर ये परेशानी आ रही है शादी की वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रति सोमवार माने 5 सोमवार तक आप रुद्र अभिषेक कराइए, वो दूध और काले तिल से, अच्छे पंडित जी के पास, जो विद्वान हो, जो कर्मकांड के आचार्य हो, उसके पास 5 सोमवार तक रुद्र अभिषेक कराइए। साथ ही प्रतिदिन जो मैं बीज मंत्र दे रहा हूं उसकी 2 माला करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः, प्रतिदिन 2 माला करें और 5 सोमवार तक रुद्र अभिषेक कराइए। आपके शरीर में जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, जरूर दूर होगी। दोस्तों ऐसे ही 12 लग्न के जो भी कारण है आपके सामने रखूंगा, उसके उपाय भी आपके सामने रखूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।